नैनीताल के हल्द्वानी एमपीबीजी कॉलेज में 10 मार्च को होने वाली मतगणना का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत समेत कई अधिकारियों ने द्वारा कर स्थलीय निरीक्षण किया है। रावत ने निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मतगणना कार्यों को स्वच्छ और पारदर्शिता से संपन्न कराया जाए। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की तरफ से युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर एक महिला ने युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी है और युवक हाथ पैर जोड़ता रहा, पर महिला उसकी जमकर पिटाई करती रही। वहीं मारपीट की घटना देख घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। घटना का कारण पैसों का लेन देन बताया गया है। फिलहाल अभी तक युवक की तरफ से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन रोड पर एक महिला द्वारा एक व्यक्ति को पीटे जाने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया ये बात संज्ञान में आई है कि पैसे को लेन देन को लेकर इनमें आपस में मारपीट हुई है। इस संबंध में कोई थाने पर तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है।